जमूर है? तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। घन्ना मल सूरज से बोला, दे दो धूप उधार। वो बोला, बिन पैसे तुझसे करूं न कारोबार। एक किरण का एक रुपया दे दे धन्ना राम। कीमत एक रहेगी भैया, नहीं घटेंगे दाम भैया नहीं। अरे सुशीला, आज तो तेने आसन भी समेट लिए, मोको ना पड़ावेगी। अरे ताई फिर भूल गई। ले। अरे मोको बड़ा बुरा लगे है तुझे देख करते हुए, तू भी क्या कहती होगी, क्या आफत गले पड़गी। अरे कैसी आफत है? सच्ची बात तुझे है कि मैंने तुझसे कितनी बेर कही कि सबके संग आके पढ़ा कर। देख इसमें शर्म कैसी, राम प्यारी सोना दे और बड़ी बड़ी औरतें भी तो पढ़े हैं, पर तेरी समझ में आती ना है। तो मैंने कही चलो मोको कौन सा पहाड़ खोदने जाना है, अकेले ही पढ़ा लेंगी। और फिर कमला ने भी तो कही ही कि सुखिया ताई पढ़ लेगी तो सगरे गांव का भला होगा। तो मैंने कही चलो ठीक है, अब सबके संग पढ़े चाहे अकेले, अपने घर में पढ़े या यहाँ, मैं बिना पढ़ाए तो मानूंगी नहीं। अरे मेरा भी मन करे है सबके संग बैठ के पढ़ने को, पर जाने जाने मुझे कैसा लगे है, मुझको डर लगे है। डर तुझे? जिससे सगरा गांव डरे उसे काय का डर? कुछ है ऐसा, बस तुम उसे जी बार 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 मत कह, एक दिन बस चली आऊंगी हिम्मत करके, आग बीज के देखी जावेगी फिर। अच्छा ऐसा तो ऐसा सही, चल अब किताब खोल। अरे जी तू बीसवें पार्ट पर कैसे पहुंच गई? केंद्र में तो आज मैंने 19वां शुरू किया है। अरे जब उषा बहन जी के पास जाऊं हूं तो थोड़ा बहुत उनसे भी तो समझ लूं हूं, उन्हों के कहने पर ही तो किताब लेके जाती हूं। बेचारी बहुत अच्छी हैं। और सुशीला इस ट्रेनिंग में तो बिना पढ़ा लिखा ऐसे होवे है जैसे अंधे की आंख पे चश्मा चढ़ाना। ताई तेने खुद इतनी बड़ी बात समझ ली तो अब तुझे आगे बढ़ने से कोई ना रोक सके। अरे अब इस उम्र में क्या आगे बढ़ूंगी, अब तो ये चाहूं कि अब तक जो गलतियां मैंने करी हैं उन्हें छोड़ के सही ढंग से काम शुरू करूं। यही तो है आगे बढ़ना। चल निकाल किताब। ये 19वां तो तेने वहां पढ़ लिया या फिर पढ़ेगी एक बार? मैं तुझे पढ़ के सुनाती हूँ, तू देख तो सही। धा ए, ए की मात्रा, धान, एकता, दूध, पैसा, कसैला, भैया, कमला, सस्ती चीजें ही खाती है। देख सवाल जवाब भी सारे कर लिए मैंने।
क्या महंगी खुराक में ही अधिक ताकत होती है? नहीं, सस्ती खुराक में भी अधिक ताकत हो सकती है। बढ़िया खुराक किसे कहते हैं? बढ़िया खुराक में रोटी के साथ थोड़ा चावल, एक ना एक दाल, साग, सब्जी और सस्ते फल भी होते हैं। गुड़ या शक्कर मिला हुआ दूध, दही भी। अरे ताई, तो बोई सुखिया ताई है, कैसे सगरा फर फर पड़ गई? और जी तेने खुद लिखा है जो उषा बहन जी ने लिखवाया? मैंने खुद लिखा, उषा बहन जी ने तो बस सही करा। अरे मैं तो हैरान हूँ, तूने सबों के बाद में पढ़ना शुरू करा और कैसे सबों से आगे निकल गए। और आज तलक में ये समझे ही कि बड़ी उम्र में पढ़ने लिखने में टाइम लगे है। अजी हाँ, तू किसी भी जवान औरत को मेरे सामने लाके खड़ी कर दे जो मुझसे ज्यादा काम कर जाए, तो नई चीजें सीखने में ज्यादा टाइम लगता होगा जवानों को, जिनके दीदे तो कहीं और रह हुए हैं और दिमाग कहीं और रह हुए हैं। काम तो तब सीखे है ना जो उनका मन लगे है। मुंह को देख ले, कई बार मैंने पढ़ना शुरू करा तब तो मैं जवान ही समझ में ना आवे था, और अब देख ले जब पढ़ने को मन है तो कितना आगे बढ़ गई मैं और बुढ़ापे में भी। बात तो ठीक कह रही ताई, पर बात मन की ना है, जरूरत की भी है। आज तेने पढ़ने लिखने का फायदा समझ लिया तो तू मन लगा के सीख गई। असल में एक बार इंसान की समझ में ये बात आ जाए कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है तो मन तो अपने आप लग जावे है। बात तो जे भी सही है। जे भी नहीं, जे ही। असल में पढ़ने लिखने की जरूरत सबको है, पर जिसकी समझ में जे बात आ जाए वो पढ़ेगा जरूर। मुको डांटने लगी तू तो। अच्छा दिखा, बीस में क्या लिखा तूने? जी हाँ पढ़। आग, आदमी, आम, बच्चा। अच्छा जी पढ़, जी क्या लिखा? आधा चा। और जे? चा। आगे पढ़। अरे तू कहीं से भी पूछ ले, ऐसे थोड़ा ही पढ़ा है मैंने। मान गई ताई, मान गई, अब आगे तो पढ़। आरी, आंख, डॉक्टर ने कमला से बाजार से क्या क्या लाने को कहा। डॉक्टर ने बाजार से मोम जामा, नहाने का साबुन और एंटी स्पैटिक की सीसी लाने को कहा। क्या लाने को कहा? वो पीली दवाई। हाँ पर सुन, एंटी स्पैटिक नहीं, एंटी सेप्टिक, और सीसी नहीं, शीशी। शीशी। अरे आ गई तू, ला दे मुझे। ना, कितनी बार कही है तुमसे कि मैं कोई अपाहिज ना है गई। 3 मील की फेरी लगा के आई हूँ, टोकरी भी खुद ही उतार लूंगी। तेरी तो जो भी मदद करने को आवे है तू उसी को काटने को आवे है। ना चाहिए मदद किसी की मुझे, बगैर मदद के इतनी बड़ी है गई हूँ। मदद के इंतजार में बैठी रहती तो मस्जिद की खैरात की रोटियां तोड़ रही होती। वो ही अच्छा होता। क्या कही? मैं रोज शाम सवेरे तेरे लिए रोटियां लेके आता, तुझे अपने सामने बिठा के खिलाता, तू मुझे दुआएं देती, मुझे देख के तनिक मुस्कुराती। मुस्कुराए मेरा ठेंगा। वाह क्या ठेंगा है, ठेंगों में ठेंगा, असफी का ठेंगा।
लंबा पतला एकदम ककड़ी जैसा, गंदमी रंगत, गुलाबी नाखून, जो देखे इस ठेंगे का गुलाम हो जाए। छोड़ो बेहया कहीं के, शर्म भी ना आती। बाप बनने वाले हो अब तुझे सब छोड़ दो। देखो मैं मुन्नी के लिए हाथ से क्या क्या लाई हूँ। अच्छा दिखा क्या क्या लाई है। क्या मुन्नी के लिए? कोई मुन्नी मुन्नी नहीं, हमारे यहाँ तो मुन्ना पैदा होगा, मुन्ना चांद जैसा मुखड़ा होगा उसका, और रंग गोरा चिट्टा, आंखें ये बड़ी बड़ी जैसे कि तेरी, और बाल बाल मेरे जैसे लंबे काले घुंघराले। उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वल रहमान अली खान, शहनशाह ठिया खाना, खविंदे अशरफी बेगम, बादब बा मुलायजा होशियार, निगाहे रूबरू। अनारकली नाचो नाचो, हमारे यहां बादशाह पैदा होने की खुशी में नाचो। दरबारियों अठन्नियों की बारिश करो, कनीजों फूल बरसाओ। जाओ कोई जाकर कहो कि बादशाह सलामत अपनी बेगम को मुबारकबाद देने आए हैं। बहुत हो गया बहुत हो गया, आओ बैठो। आपने कुछ फरमाया मेहरुन्निसा बेगम? अपनी औकात में आ जाओ, अकबर बादशाह की औलाद। अकबर बादशाह की औलाद नहीं, अकबर के बाप। अच्छा अच्छा, अकबर के दादा। अच्छा अब जरा ये पर्चा देखो जो उषा बहन जी ने दिया था, और मिलाओ सारा सामान आ गया कि नहीं, पढ़ो जरा। मोम जामा एक अदद, जे किस काम आवेगा? अरे जे मुन्नी की लेटने की चादर के नीचे बिछाया जावेगा। मुन्नी की। अच्छा बाबा मुन्नी की सही, पर किस काम आवेगा? ताकि वो पूरा पूरा बिस्तर ना भिगोए। तुम्हारा मतलब हमारा साजादा बिस्तर पर मूतेगा? हर गिज नहीं, बिस्तर पे ही नहीं, वो तो तुम्हारी गोदी पे भी मूतेगा, और सर पे बिठाओगे तो सर पे भी। नामुमकिन। बस इतने में ही घबरा गए, निकल गया शौक साजादे का। मैं क्यों घबराऊं, उसकी देखभाल तो तू करेगी। अच्छा और जे खिलौने कौन बनावेगा, और रोज रोज फेरी पे कौन जावेगा? अकबर बादशाह या मुन्नी को बंजारों की तरह पीठ पे बांधे बांधे घूमूंगी। अशरफी बच्चा हो जाने के बाद भी तू ये काम ना छोड़ेगी? बच्चा होने के बाद चार खर्चे जो बढ़ेंगे उसकी सोची है तुमने? तुम्हारी इस ठोका पीटी की कमाई से तीन जनों का पेट कैसे चलेगा? पर अशरफी बच्चों को मैं अकेला कैसे देखूंगा? तुम अकेले क्यों देखोगे, मैं भी देखूंगी। जब मैं फेरी पे निकलूंगी तब वो तुम्हारे साथ यहाँ ठीये पे रहेगी। यहाँ इस शोर शराबे में? नहीं, तुम उसके लिए एक महल बनवा देना, और एक आया रख देना उसकी देखभाल के लिए। चलो पढ़ो आगे क्या लिखा है। मोम जामा जो तो है गया, नहाने का साबुन, कितनी अच्छी खुशबू है, कितने का आया? ढाई रुपए का साबुन। तेरा दिमाग तो ठीक है, खरीदारी करने से पहले अपनी हैसियत देखा कर। ढाई रुपए का साबुन, बाप ने सारी जिंदगी साबुन से मुंह ना धोया और बेटी ढाई रुपए के साबुन से नहाएगी। बस बस जो कुछ लाई हूँ सब बहन जी के कहने पे लाई हूँ, अभी बेटी तो पैदा हुई नहीं, खर्चे तुम्हें पहले ही काटने लगे। पैदा हो जाने के बाद तो न जाने क्या करोगे। तूने जे ना कहा अपनी उषा बहन जी से कि आपके शहर की तरियों यहाँ साबुन का रिवाज ना है, यहाँ तो लोग उपटन और खल से ही काम चलावे हैं। अरे पूछ लूंगी, आगे पढ़ो तुम। आगे पढ़ो, आगे भी लिखोगे पैसे डुबोने के नुस्खे। पाउडर पीली दवाई की सीसी, जे कितने की आई? देखो जी जे ढेले ढेले का हिसाब जोड़ना तो तुम बंद करो, अब बच्चा होगा तो चार खर्चे भी होंगे, और मैं तुमसे मांग के तो ना लाई, अपनी कमाई का लाई हूं। अशरफी ये तेरी मेरी क्या होती है, तेरी कमाई कोई हराम की है? तो बच्चा भी हराम का ना है। अच्छा भाई कर खर्चा, दोनों हाथों से कर, पैसा तो जैसे पेड़ पे उगा करे। सुनो सुनो ना, अब जो बार बार के खर्चे तो है ना, महीनों चलेंगी जो चीजें, और इनमें से एक भी फजूल की चीज ना है। जे पाउडर जो मैं अपने मुंह पर थोड़ी थोपूंगी, जे इसलिए है ताकि बच्चे के बगल में जांघों में गर्दन में छोटे छोटे दाने ना हो, इसे लगाते रहेंगे तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, और निलाते वक्त पानी में बूंद भर जे दवाई डाल दो तो वो खाल की बीमारियों से बचा रहे।
बहुत सी बीमारियों के कीड़े मर जाएं इससे। सुन रहे हो ना? देखो तुम्हारे सहजादा होगा, तुम क्या चाहते हो कि वो बीमार रहे? सहजादा होगा ना, लड़के के नाम पे सारे खर्चे मंजूर हैं। बोल बोल, लड़का होगा ना? नहीं, लड़की होगी। मुझे क्या पता क्या होगा, पर जो कुछ भी होगा, लड़का हो या लड़की, मेरा अपना बच्चा होगा। मैं उसे खूब प्यार से पालूंगी, उसे खूब मोटा तगड़ा करूंगी, उसे बीमारियों से बचाऊंगी। अरे वो तो भूल ही गया, तेरे खाने का पका तैयार है, चल चल चल। अभी पकाती हूँ। ये सब तुमने किया है? ये क्यों किया? अपना सारा काम छोड़ के तुमने इतना झंझट क्यों किया? मैं खुद ही कर लेती। अशरफी, अगर मुझे खाना पकाना आता तो मैं खाना भी पका देता। तू तो खाना पकाने बैठती है तो रोटी के अलावा और कुछ ना बनाती। पर तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। उषा बहन जी ने कितनी बार कही है तुझसे कि रोटी के साथ कुछ दाल हरी सब्जियां खानी चाहिए। आखिर तेरे पेट में एक और जीव बड़ा हो रहा है ना। पर दो वक्त इतनी सारी चीजें बनाने में कितना झंझट है, और अब मैं थक जाती हूँ रहमान। मुझको पता है, इसीलिए तो मुझसे जो बना मैंने कर दिया। अब तू थोड़ी सी हिम्मत कर और पका ले। अशरफी, तू मुझे क्यों ना सिखा देती खाना बनाना? मैं तेरे आने से पहले सब पका के रख दिया करूंगा, ईमान से। हाँ, ताकि सारे गांव में तुम्हारी खिल्ली उड़े। वैसे ही बुद्धू मसूर हो। जब मेरा गोल मटोल सहजादा पैदा होगा और पढ़े लिख के बड़ा आदमी बनेगा, तब देखूंगा कौन खिल्ली उड़ाता है। सहजादा नहीं, सहजादी, और वो भी पढ़ लिख के खूब आगे बढ़ेगी। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो बढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज़ नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी।